नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, आपके सामने दूसरे ब्यांत की झोटी है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, झोटी जो है दूसरे ब्यांत की है और लगभग 15 दिन का अंदाज़ा है ब्याई हुई हो गई है, और अभी से आए हुए 2 ही दिन हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनावट की है, ना बड़ी है ना छोटी है, और जड़थन भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। एक बार इसके मालिक से भी आपकी बात करवा देते हैं। आ जाओ भाई एक बार इसके पास में। नमस्कार भाई, कैसे हो? ठीक है जी, आप सुनाओ। अच्छा, एक बार अपना परिचय दे दो इसमें थोड़ा सा। विलेज पावर सा। नाम? नाम सोनू पुनिया। अच्छा अच्छा जी। तो भैया, ये कितने दिन की ब्याई हो रही? ये 15 दिन की होगी भैया। अच्छा, 15 दिन की ब्याई हो रही। तो जैसे इसका दूध निकाल रहे, अंदाजा कितना दूध बना रही? दूसरी 10 लीटर करीब कर रही है। अच्छा, 10 लीटर के करीब कर रही है। और धारवार कैसी है? धार बहुत फोकी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया धार है, फोकी। अच्छा, आराम से जैसे अपना दूध का टाइम है, बढ़िया पवासरी। बच्चा भी काट सकते हैं बढ़िया। अच्छा, मतलब आराम से लवारा छोड़ दो और आराम से काट लो। ठीक है दोस्तों, झोटी बिकाऊ है। भाई का फ़ोन नंबर मिलेगा इसमें आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के उसमें फ़ोन नंबर लेके आओ, भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। झोटी बढ़िया है, और जो भी भाई लेने के इच्छुक हैं, ये आपको बहुत ही सही पैसों में झोटी मिल जाएगी, और बहुत ही बढ़िया झोटी चल रही है, दूध पे बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी तो छटाव भी कर रही है। अच्छा, छटाव भी कर रही है अभी, उसे लग गया 10वां आज से। अच्छा, और दोस्तों, इस झोटी के बाद में इनके पास में ये वाली है, ये तो काफ़ी बड़े साइज की और बहुत ही बढ़िया भैंस है इनकी। ये आप देख सकते हैं, सिंग सिंगार की भी बहुत साफ है दोस्तों, बहुत ही प्यारी भैंस है और साइज में भी बहुत बढ़िया है, और जड़ थन भी इसके बहुत ही बेहतरीन है। तो सोनू, एक बार आ जाओ भाई इसके पास में। तो ये कितने टाइम से आपके पास? ये 2 साल से। अच्छा, 2 साल से है। तो ये भैंस भी बिकाऊ है? हाँ जी। अच्छा, तो सोनू भाई प्राइस क्या मांगे कुछ? फ़ोन पे बात कर लियो। फोन पे? अच्छा, फ़ोन नंबर पे। ठीक ठीक। तो सोनू भाई, जैसा आप इसे 2 साल से रख रहे हो, हाँ जी, तो कितना दूध बना दे हो? इसने 14 लीटर बनाया है। अच्छा, 14 लीटर दूध दे दे। इसने 14 लीटर। और कितने समय तक दे दे ये? नू देख लो, दिन के दिन देती है दूध ये। अच्छा, इसका रोकना ही पड़ा है। अच्छा, मतलब छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ता है। हाँ, हमने भी देखा, काफ़ी अच्छे जड़ थन है और बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। आगे से पीछे तक इस भैंस में कोई कमी नहीं है किसी तरह की। एक बार ढप करिए जरा इधर को। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जड़ निकालती है भैंस, और बहुत ही बेहतरीन भैंस है। इनके पास में एक घर की बछिया है और एक बड़ी भैंस भी है, लेकिन ये जो भैंस है बहुत ही अच्छी और प्यारी भैंस है इनकी। दोस्तों, भैंस को 10वां महीना चल रहा है, और लगभग कितने दिन अभी आने के अंदाज़ा कुछ? बस 10वां लग रहा है, 5 दिन लग जाएगा, 15-20 दिन। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हल्के से पुट्ठे जो हैं यहाँ से ढाड़वा जाने लगे हैं, पुट्ठे तोड़ने लगी है भैंस, और बहुत ही शानदार भैंस है। शौकीन भाई संपर्क कर सकते हैं, सोनू भाई का नंबर मिलेगा आपको। और सोनू भाई, ये बछिया?
बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी ये बिकाऊ है। नहीं नहीं बच्चे बिकाऊ। अच्छा सही बात है, मैं समझ गया। हाँ दो भैंस का दूध खेल ली दे हुए, तो इसे ये अब दूसरी बार भी आएगी। हाँ ये दूसरी बार भी आएगी। अच्छा कितना दूध दे दे? इसने 16 लीटर करीब दूध दिया है। हाँ जब तो उस टाइम पर तो छोटी थी, बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट जो गायें हैं और जो जर्सी गायें हैं तो वे भी काफ़ी अच्छा दूध देती हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी की तरफ भी चलना पड़ेगा। 6.5 महीने हो गए। हाँ 6.5 महीने के अपन है। अच्छा दूध अब भी दे रही? छोड़ दिया, अब भी दे रही है दूध, अब भी दे रही है। और ये वाली, ये भी गब्बन है, ये 40 दिन की होगी गब्बन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 40 दिन की गब्बन। हाँ। अंदाजा हो रहा है। तो सोनू भाई ये बिकाऊ है? नहीं नहीं ये बिकाऊ नहीं। अच्छा ये और ये रखोगे? हाँ, ये और बाकी अपने लवारे पाल रहे। दोस्तों ये भी अपने टाइम की बहुत ही अच्छी दुधारू भैंस है, लेकिन अब जो है ये सोनू भाई के पास में आ गई है और अब इसकी गौर होएगी। और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा सिंगार है और काफ़ी अच्छी भैंस है दोस्तों। हमारा सिंगार है। हाँ बहुत बढ़िया बेहतरीन। और दोस्तों इनके पास में जो ये कटड़ा है इनका, दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो भैंसा है, अगर कोई शौकीन भाई अच्छे पैसे दे देगा तो ये भैंसा जो है बिकाऊ है। कितने दांत में सोनू भाई है? ये 6 दांत। अच्छा 6 दांत है, जब हमने वीडियो बनाई थी ये 4 दांत था। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है इसका, लंबाई ऊंचाई से कटड़ा फिट है। और जो शौकीन भाई हैं वो संपर्क कर सकते हैं। पैरों का भी बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया चलने में। इसके शॉट आप कई वीडियो में हल्के हल्के शॉट इसके आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया फटक मानता है और बहुत ही बेहतरीन चलता है। बड़ा ही गर्म मिजाज है इसका, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सोनू भाई के पास में 3 पशु बिकाऊ हैं, एक दूसरे की झोटी है, एक बड़ी भैंस है और एक ये भैंसा है। सोनू भाई का नंबर वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, भैंसा आपने देख लिया, ये झोटी है दोस्तों दूसरे की। और इनके पास में बहुत ही सुंदर बगीचा भी है, देखो काफ़ी फलों के पेड़ आ गए हैं और धीरे धीरे ये सजावटी पेड़ निकाल रहे हैं और फलों के पेड़ लगा रहे हैं। दोस्तों देखो ये भी, ये नींबू है? हाँ, मौसमी। अच्छा मौसमी, मौसमी है। दोस्तों मौसमी का पेड़ है ये, आम होंगे नींबू। अच्छा दोस्तों अमरूद भी इनके पास में कई वैरायटी के हैं और इन्होंने पूरा फायदा उठाया प्लॉट का। ये तो आड़ू है? आड़ू है। अच्छा और ये नींबू है? ये नींबू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पपीता चल रहा है और उधर वो बेल, सेम की बेल है और भिंडी बो रखी है। तो मतलब आप धीरे धीरे ये सजावटी पेड़ निकाल दोगे। हाँ, और फलों के पेड़ लगा दोगे तो एक छोटा बगीचा हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने, जगह का पूरा यूज किया। ये कभी का इनका खेती है, पूरे चारों तरफ इन्हीं के खेत हैं और यहाँ इन्होंने भराव करके अपना, ये मान लो कि गाँव में अंदर जो घर था वहाँ जगह कम थी और यहाँ जगह ज़्यादा है, तो इन्होंने इस हिसाब से सजावटी पेड़ धीरे धीरे कम कर दिए और दोस्तों अपने ज़रूरत के पेड़ लगा लिए, जो कि इनके बीच में सब्जी भी होती रहेगी। तो ये आइडिया भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सजावटी पेड़ हैं इनसे कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि फल का पेड़ 2 काम करता है, छाया भी देता है आपको और साथ के साथ में फल भी देता है। और दोस्तों देख सकते हैं ये छोटे बच्चों के बनने की जगह है और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यही लगती है कि इनकी कुट्टी मशीन जो है छावे में है, काफ़ी ज़्यादा जगह दे रखी है इन्होंने सफाई की, क्योंकि दोस्तों पशुओं का चारा में फंगस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये देखो इन्होंने बिल्कुल लाइट का भी बढ़िया इंतजाम कर रखा है और ये हत्ती सिस्टम लगा रखा है कि आप हत्ती सिस्टम से ही अपना चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अरेंजमेंट, क्योंकि दोस्तों पशुओं का जो चारा है वो ज़्यादा धूप बारिश ओस से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगस लग जाती है जो कि पशु के लिए अच्छी नहीं होती। और बड़ी भैंस दिखा देता हूँ आपको, दोस्तों बड़ी भैंस ये है जो कि सेल में है, कोई शौकीन भाई होंगे तो अगर अच्छे पैसे लगा देंगे तो भैंस खरीद सकते हैं। और एक ये झोटी है दूसरे की, और कोई अच्छे पैसे लगा देंगे तो वो बड़ा झोटा भी इनका बिकाऊ है। धन्यवाद, जुड़े रहिए।